फांसी से कोटार वापस छोड़ा चुकी हमें। दुनिया भर में तेल का कुआ सूख रहा है, कम से कम उस पे तो तरस खाओ। अपने तल पे तेल थोड़ा कम घिसो, कुआ नहीं सूखेगा। ये तेल नहीं है, जेल है, स्टाइलिंग के लिए है। कृतिका जी हेलो। तुम्हारी लंका में आग लगा देगा, हमारी वेल पे फोकस करो। ये जो तुम पूरा ड्रामा किए हो हम सब समझते हैं। क्या ड्रामा किया? संगीत वाले रात से ही तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं रहते। अगर हमारी नियत खराब होती ना तुमको गर्लफ्रेंड बना के घुमाते, ऐसे शादी का प्रपोजल थोड़ी देते। गर्लफ्रेंड? आज तक किसी को गर्लफ्रेंड बनाए हो तुम? हम कभी बनाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, वो नहीं चाहते थे, बनती भी नहीं तुमसे ना बहन। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़ो, तुम शादी के बारे में बात करो। अरे नहीं करनी है शादी, अब क्या अपने जिस्म पे टैटू बना के समझाए तुमको। मैडम छेड़ो है क्या तुमने? ये तुमको छेड़ना लग रहा है, तुम ज्यादा हीरो मत बनो बस में। देखो सुनो, हम शादी ही नहीं करना चाहते, ठीक है? ना तुमसे, ना किसी और लड़की से, ना किसी लड़की से। तो फिर क्या करना चाहते? हमें बस कृतिका की शादी करानी है और फिर हम कोटा छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। कहाँ? हिमालय के पास, छोटी कुटिया है वहाँ संन्यास लेने। वैदही जी, जी वो जो लड़का तुम्हारे साथ किया है ना, हमको सब पता है, तुमको उस बात का धक्का लगा है, हम समझते हैं। फिर भी हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बेशरम हो तुम, क्या बड़ी बहन कुंवारी है, हम तो छोटी किस्ती देख रहे हो। अरे तो उसकी भी करा देंगे। हम शादी के लिए तैयार हैं, दोनों की एक ही मंडप में हो जाएगी। हम सुसाइड कर लेंगे, तुमसे नहीं करेंगे। ए भाया, तू छेड़ना बंद करो। चुपचाप बैठो ना, घुसन लगा दे। छीनना छीनना। देखो हाँ बोलो। शादी बराबर वालों में होती है ना, तो प्लीज हमें माफ कर दो। जानते हैं पर हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो मिडिल क्लास की लड़की, फिर भी हम शादी करने के लिए तैयार है। धन की बराबरी नहीं स्वीटी, दिमाग की बराबरी। स्वीटी हमारा दिमाग बहुत तेज है, तुम परख के देखो। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? मतलब क्वालिफिकेशन का एक ही मतलब होता है, 10वीं तक पढ़े। हाँ, और बंसल साहब का बेटा है, झांसी में इतना क्वालिफिकेशन बहुत है। कैंडिडेट तुम हो, ये है, बीच में मत बोलो। पूछो पूछो। कोटा IIT क्लासेस के लिए फेमस है, IIT का फुल फॉर्म बताओ। चलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे जो चीज का हमारी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं उस बारे में मत पूछो। ठीक है, गाड़ी का शोरूम है ना तुम्हारा, ABS सिस्टम का फुल फॉर्म बताओ। तुम बार बार हमको क्या देख रहे हो बे, कैंडिडेट तुम हो। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अरे वो काम हमारे भैया देखते हैं। तुम साहूकारी का काम देखते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो हम 10वीं का एग्जाम एक बार दे चुके हैं, सर्टिफिकेट भी हमारे पास, तुमको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं हमको। कल अगर तुम्हारे पिताजी तुमको घर से निकाल दिए तो क्या करोगे? हमारे पिताजी हमको घर से क्यों निकालेंगे? अरे निकाल दिए तो। अरे कैसी बेफजूल बात कर रही हो तुम, हम उनके सपूत हैं, हमको घर से क्यों निकालेंगे? इधर आओ। तुम अगर हमको शादी से पहले प्रेग्नेंट कर दिए तो तुमको घर से नहीं निकालेंगे। अभी ये हमको छेड़ रहे, तुमको दिख रहा नहीं है अम्मा से चिपके हुए? अभी बद्री, आज शनि का प्रकोप तेज लग रहा है, चलो कल बात करो। तुम्हारी मानसिक स्थिति आज गड़बड़ लग रही है, हम कल फिर आएंगे। अच्छा एक दिन में क्या 10वीं पास से बैरिस्टर बन जाओगे तुम? अरे हम बहुत अच्छे लड़के, तुम्हारे ख्याल रखेंगे। बस बस सब चल, कैसे बोल रही है हमको? एक मिनट आगे। तुम रो रहे हो क्या बद्री? रोना आ रहे तो क्या करे, इधर इधर पागल है, छोड़ो। कैसे बोली हमको? अरे तुम बंसल हो, बंसल रोते नहीं, रुलाते हैं। चलो छोड़ो उसको, बाइक कहाँ खड़ी की थी।